वेलकम बैक टू रियांश प्लांट्स एंड पॉट्स। दोस्तों, ये हमारा व्लॉग नंबर 16 है और व्लॉग की शुरुआत करते हैं इस बहुत ही ब्यूटीफुल अगेव प्लांट के साथ, जिसको मैंने एक पप से ग्रो किया था। और ये जो प्लांट है, ये आपने ज़्यादातर पार्क्स में देखा होगा, रोड साइड पे देखा होगा। तो अगेव की बहुत सारी वैरायटी आती है और अगेव एक बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है और ये ड्रॉट रेजिस्टेंस वाला प्लांट है। कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है तो आप इसे इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास ये एक इंच प्लांट था और ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था। तो अनफॉर्चुनेटली इस प्लांट में स्पाइडर माइट्स का बहुत ज़्यादा अटैक हो गया है और इसमें सब जगह जाले जाले से बन गए हैं। सारी लीव्स वाइट हो गई है, जो भी नई पत्तियाँ आती हैं वो सब वाइट हो जाती हैं और पूरा प्लांट बहुत ही ज़्यादा भद्दा दिखने लगा है। और इसमें जो स्पाइडर माइट्स लगी हुई है, उनका असर धीरे धीरे दूसरे प्लांट्स पर भी आने लगा है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको इस गमले में से रिमूव कर दूँगी। हालांकि इसे हटाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, पर इसके स्पाइडर माइट्स का अटैक होने से पहले, मैंने जब ये हेल्दी था तो उसके काफ़ी सारी कटिंग्स को मैंने अलग अलग गमलों में ग्रो कर लिया था। और भी प्लांट्स हैं मेरे पास इसके, तो कोई भी गार्डन हो तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब उनका प्लांट ख़राब होता है। तो दोस्तों, ये जो कोलियस का प्लांट था, इसको मैं इस गमले में लगा दूँगी। हालाँकि केमिकल फंजीसाइड्स का यूज़ करके मैं इस प्लांट को बचा सकती थी, बट मैं किसी भी तरह का केमिकल फंजीसाइड्स, इस तरह का कोई भी केमिकल मैं अपने प्लांट्स पे यूज़ नहीं करती हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं इस प्लांट की कटिंग किसी को दे भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये पहले से ही बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेड है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी को कटिंग दूँ और उनके प्लांट भी ख़राब हो जाए। तो दोस्तों, ये एक और प्लांट मैं दिखाना चाहूँगी। ये जो नींबू का पौधा है, ये मैंने सीड से ग्रो किया था। इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो आई होप कि मैं इसको कबूतरों के हमले से बचा सकूँ। और गेंदा के कुछ बीज मैंने डाले हुए हैं, आई होप कि वह जर्मिनेट हो जाए। और ये देखिए, ये मेरा टर्टल वाइन का प्लांट। दोस्तों, ये मैंने हमारी सोसाइटी में एक आंटी के पास मैंने देखा था। उन्हें मैंने कुछ प्लांट्स अपने रेन लिली के दिए थे, तो बदले में उन्होंने मुझे सिर्फ 4 कटिंग दी थी। जो देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है, 3-4 महीने में इसकी बहुत अच्छी हेल्दी ग्रोथ हो रही है। ये प्लांट जहाँ जहाँ सॉइल से टच होता है, वहीं पर इसकी रूट्स डेवलप हो जाती है। तो दोस्तों, ये कोलियस के प्लांट की रिपोर्टिंग हो गई है। जो भी नए व्यूवर्स हैं, प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। दोस्तों, एंड तक देखने के लिए आप थैंक यू सो मच।